अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो हॉटस्टार की नजर उतरवानी है, क्योंकि अब अगर हॉटस्टार सड़क 2 जैसी मूवीज को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करे तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो मैं ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही हूँ वो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो आओ चलो आपको भी सुनाते हैं अपनी दुख भरी कथा। So hello guys, welcome you all to our nerdy channel and आज हम रिव्यू करेंगे सड़क 2 मूवी को। हाँ वही सड़क 2 जिसने हमारा पैसा और हमारा दिमाग दोनों बर्बाद किया। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, वही नेपोटिज्म की अगली पेशकश जिसकी मेन कास्ट आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर एंड संजय दत्त है एंड डायरेक्टेड बाय वन एंड ओनली महेश भट्ट। एंड इस मूवी को देखने के बाद आप लोगों का बस एक ही रिएक्शन होने वाला है, ये तो टट्टी है। थैंक यू। बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, आओ बनाए एक और मजाक लेके नेपोटिज्म का नाम। कोई गेम नहीं खेलने वाले हम आज, ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्या सोच के लॉकडाउन में ये मूवी बनाई गई होगी। जहाँ तक मुझे समझ आया, ये मूवी उन लोगों पर थी जो भगवान के नाम पर लोगों को पागल बनाते हैं। सो इन सिंपलर टर्म्स इस मूवी के एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने थोड़ी सी अपनी ही झलक दिखा दी कि वो कैसे ऐसी मूवीज बना के ऑडियंस को पागल बनाते हैं। साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा। तो आलिया का कैरेक्टर इज बेसिकली पोर्ट्रेट एज अ गस्टी गर्ल हु इज अगेंस्ट द फ्रॉड बाबास एंड देयर इल प्रैक्टिसेस एंड इन द होल मूवी शी ट्राई टू फाइट अगेंस्ट देम एंड रेज हर वॉइस अगेंस्ट देम बट आई डोंट नो हू फाइट लाइक दिस। लाइक उसकी लड़ाई कम और उसकी इश्कबाजी ज्यादा दिखाई गई एंड द ओनली रीजन शी वॉज डूइंग ऑल दिस क्योंकि उन बाबाओं की वजह से उसने किसी अपने को खोया था। आदित्य रॉय कपूर का कैरेक्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग और अनसर्टेन था। आई डोंट नो व्हाई दे इवन कास्ट हिम इन दिस मूवी जस्ट बिकॉज देयर ऑलवेज हैव टू बी अ लव एंगल इन एवरी मूवी। मतलब डायरेक्टर ने उसको हीरो और विलन दोनों के रूप में दिखाने की कोशिश करी बट वो दोनों ही रोल में बिल्कुल कहीं सेट बैठा ही नहीं। टॉकिंग अबाउट द संजय दत्त कैरेक्टर जो कि एक टैक्सी ड्राइवर होते हैं, सो उनका रोल बड़ा सिंपल था, या तो रोना है या तो लड़ना है, उसके ऊपर कुछ नहीं, सिर्फ मेलो ड्रामा। मतलब इतना प्लॉट ट्विस्ट हुआ, इतना प्लॉट ट्विस्ट हुआ। ओह आई एम सॉरी, इस मूवी में तो प्लॉट था ही नहीं। हाँ तो इस मूवी में इतना ट्विस्ट है, इतना टर्न है कि मूवी के एंड तक मैं ही कंफ्यूजन में रह गई कि अपना कौन है और पराया कौन। मतलब इतना सारा कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन। ये कौन से नशे हैं, ये कौन से नशे हैं। मतलब इतने कंफ्यूजिंग सवाल तो केबीसी में भी नहीं होते होंगे जितना कंफ्यूजन इनके कैरेक्टर्स में था। और इस मूवी के डायलॉग्स आर लाइक टिपिकल मम्मीज डायलॉग्स। मतलब जैसे हमारे मम्मी के ताने होते हैं ना कि एक पल में यूं तो दूसरे पल में यूं पलट जाना, तो प्रॉपर वैसे ही डायलॉग्स है, कुछ फिक्स्ड ही नहीं था। एंड वन मोर थिंग कि इन सवालों को बेफिजूल में इतना खींचा गया कि अगर ये मूवी थिएटर्स या मूवी हॉल्स में लगी होती तो लोग अपनी नींद पूरी कर। अब अगर थोड़ी सी मूवी के अंदर की बात की जाए तो ये मूवी स्टार्ट 1980s के लव एंगल से होती है। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। एंड देन द विमेन डाइज जिससे संजय दत्त को प्यार होता है एंड फिर आता है आज का लव एंगल विद सम हिडन मोटोज एंड गाना प्यार गाना। आलिया जिसने 3 महीने पहले ही कैलाश जाने की बुकिंग कराई होती है एंड संजय दत्त एज द कैब ड्राइवर एंड ओनर हैज सेट सम ग्राउंड रूल्स फॉर देयर पैसेंजर्स, सम नो किसिंग एंड नो स्मोकिंग रूल्स। एंड देन लड़का इन रूल्स से इतना ऑफेंड हो जाता है कि ही डिसाइड्स टू चेंज द कैब एंड गो टू कैलाश विद हर इन अनदर कैब बिकॉज
सेंट्रल जेल में रह के उसने यही तो प्लान किया है, 101 ways how to make my girlfriend pregnant before reaching the destination. अंधविश्वास से लड़ने पे बनाई गई ये मूवी एंड में इतनी ड्रामेटिक हो जाती है कि एकता कपूर के सारे ओवर ड्रामेटिक शोज को फेल कर दिया इसने। मतलब अगर एक इंसान में 7-8 बार चाकू लग जाए और 2-3 बार गोलियां लग जाए, फिर भी उस इंसान में इतनी ताकत होगी कि वो जैसे ही शिव जी की मूर्ति के आगे गिरेगा तो उसमें इतना एनर्जी लेवल आ जाएगा कि वो उनका ही त्रिशूल उठा के उस आदमी के आर पार कर देगा। एंड नॉट ओनली हिज, उसके बाद वो उस आदमी को उठा के फेंक भी देगा। इजंट इट मार्वेलस? इस मूवी को मैं 10 में से 10 भगवान के फोटो फ्रेम दूंगी। आपको पता है क्यों? क्योंकि भगवान ही हमारे साथ थे जब इस मूवी को देख रहे। बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। आज के लिए बस इतना ही, और आप भी कमेंट सेक्शन में जाके इस मूवी की जितने बुराइयां कर सकते हैं करिए, क्योंकि इस मूवी को देखने के लिए अगर कोई मुझे कोरोना वैक्सीन भी लाकर दे देना तो भी मैं इस मूवी को कभी दोबारा नहीं देखना। नेवर। वेट अ मिनट, कोरोना वैक्सीन जब भी मुझे चाहिए, बट दिस मूवी नॉट। अगर इतना कुछ सुनने के बाद भी आप डिसाइड करते हैं इस मूवी को देखने के लिए, तो खून के आंसू रोने के लिए तैयार हो जाइए। दैट इज फॉर नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चलो अब मैं भी जाती हूँ, नजर उतरवानी है।